फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम क्रिसमस क्राफ्ट में मैजिक वैंड बनाने जा रहे हैं। मैजिक वैंड बनाएंगे। ये देखिए, वुडन की स्टिक ली है मैंने, करीब करीब 1 फुट की बराबर लंबी है ये। तो अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। ये मैंने रिबन लिया है और रिबन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर, स्टिक पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर रिबन को यहाँ पर लगाऊंगी, इस तरह से चिपकाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने चिपका दिया रिबन। अब मैं इसको इस तरह से घुमाकर, देखिए इस तरह से मैं इसे घुमाती जाऊंगी और ये इस तरह से लगता जाएगा। आप देखिए, बड़ी आसानी से जल्दी से लग जाता है। आप इस तरह से इसे लगा दें, थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा डिफरेंट लुक आ जाती है इसकी। यहाँ से आप काट दें और थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसके सिरे को बंद कर दें। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाई मैंने और इसके सिरे को मैंने यहाँ से इस तरह से बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये 2 स्टार मैंने लिए, इस स्टार के ऊपर मैं यहाँ पर ये स्टिकर उतार दूंगी इसका। ये देखें, ये स्टिकर उतार दें और यहाँ पर बीच में इसको डंडी को लगा दें। इन दोनों किनारों के बीच में लगानी है डंडी। फिर इसके ऊपर दूसरा स्टिकर उतार कर इस तरह से आप इसको चिपका दें। इस तरह से कॉर्नर मिलाकर, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर आप इसे चिपका दें इस तरह से। इस तरह से आप इसको बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इस तरह से चिपका दें। देखिए, ये चिपक गया। ये मैजिक विंड है। देखिए, ये तैयार हो गई मैजिक विंड। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे, मैजिक विंड की शेप देंगे थोड़ी सी। इसके बीच में हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से और ये इस तरह के स्टार इसके ऊपर चिपका देंगे। हम चाहें तो इसके किनारों पर भी इनको सुंदर सुंदर इस तरह के स्टार चिपका सकते हैं या कोई और चीज़ भी चिपका सकते हैं इस तरह से। देखिए, ये मैंने चिपका दी। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक इसे दे सकते हैं किसी तरह से भी। आप स्टार चिपका सकते हैं, सीक्वेंस चिपका सकते हैं या फिर कुछ और भी चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो फिर इसके बाद हम पीछे भी उसी तरह से थोड़ा सा लगाएंगे, डबल शेड में बीच का हिस्सा इस तरह से, जैसे हमने यहाँ लगाया वैसे यहाँ लगाएंगे इस तरह से। आप देखें इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से आएगा। बीच में मैंने ये लगाया। हम चाहे तो इसके किनारों पर सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से सीक्वेंस लेकर यहाँ पर इस तरह से लगा दिए। देखिए, इस तरह से सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। मैजिक स्टार को आप बहुत जादुई छड़ी बनानी है, अपने जादू की छड़ी। तो बहुत सुंदरता से आप इसे सजाकर कोई डिफरेंट रूप दे सकते हैं। बीच में भी आप छोटा सा एक सीक्वेंस लगा सकते हैं, स्टोन स्टार सीक्वेंस। अब हम इसके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर ये बो बनाई हुई है, बो को लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है जादू की छड़ी। आप देख सकते हैं ये जादू की छड़ी। ये सिंपल है जादू की छड़ी और ये डिजाइनर है। देखिए, तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए। गुड लक।